आईडी ब्लास्ट कर दिया है। दो ग्रामीणों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। दोनों ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज जारी है। ब्लास्ट से वाहन के पड़खच्चे उड़ गए। बासागुड़ा तेरम के बीच राजपीटा के पास की घटना है। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस घटना की पुष्टि की। तो वाहन में आईडी ब्लास्ट किया गया और इससे पहले भी हमने देखा आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट का किस तरीके से वो शहीद हुए। तो नक्सली घुसपैठ लगातार जारी है और ये गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। इससे पहले हालांकि पूरी कोशिशें थी नक्सलियों को बैकफुट पर लाने की और वो कोशिशें रंग लाती हुई भी नजर आई थी जब नक्सली खुद ही सरेंडर कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि दूसरे राज्यों के भी नक्सली पैर पसार रहे हैं तो ऐसे में गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। तो दो ग्रामीणों की हालत गंभीर है। दहशत का माहौल इलाके में बना हुआ है। चेतन कापिवार हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स ले जुड़ चुके हैं। चेतन, लगातार नक्सल गतिविधियां वहां पे बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ अब वहां पर देखने को मिल रहा है? जी करिश्मा, देखिए लगातार नक्सली अपने मंसूबे पर कामयाब होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन पुलिस और कोबरा के जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है करिश्मा, कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक आक्रोश है, कहीं ना कहीं वो अपनी दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं करिश्मा कि जिस तरीके से जो सिविल वाहन होती है अमूमन हर बार ये जो नक्सली है पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए, मगर इस बार एक नया मामला सामने आया करिश्मा कि एक सिविलियन वो सुमो थी जिसको निशाना बनाया, जिसमें दो ग्रामीण थे करिश्मा, उनकी मौके पर जब ब्लास्ट किया आईडी का, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, गाड़ी अमूमन ऊपर उड़ी और नीचे आकर गिरी। दोनों जो ग्रामीण थे वे घायल हो चुके हैं करिश्मा, उन्हें निजी अस्पताल बासागुड़ा में लाया जा रहा है। जी करिश्मा, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, वहाँ के हलचलों पे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे वहाँ की स्थितियों पर, क्योंकि नक्सल गतिविधियां काफी सक्रिय हो गई हैं और नक्सलियों को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब होते